कि 225 साल पुराना शीशम ट्री है, उस पे ट्री हाउस। सो गाइस कैन यू स्पॉट दी रेनबो? अरे ना आगे यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन का और अच्छा व्यू मिलता है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस डेली ब्लॉग जहां मैं डालता हूं डेली वीडियोस आपके लिए रिलेटेड टू होलसेल मार्केट, ट्रैवल, प्लेसेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। सो लाइक कर देना वीडियो, सो ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर दो वीडियो ऐसे एंड लाइक कर दो वीडियो ऐसे टूर के लिए। अब टिकट की बात करूँ तो टिकट टोटली फ्री है, बट ऑब्वियसली आपको डिटेल्स जाननी पड़ेंगी। उसके लिए आपको दिखता है ये विजिटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाओगे आपको मशीन लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ और हम टिकट निकाल सकते। चेक दिस आउट, विजिटर्स नेम, मोबाइल नंबर। तो गाइस आपको अपनी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स डालनी है, कोई ऐसा नहीं है। मोबाइल नंबर, नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगी, स्टेट आएगी, दैट्स ऑल यू हैव टू फिल एंड आपकी आ जाएगी टिकट हाथ में। अभी टिकट हम चलते हैं अंदर लेके, यहाँ पे मिल रही है एंट्री। लोकेशन की बताऊं तो राष्ट्रपति भवन है बट नॉर्थ एवेन्यू रोड पे है, ठीक है। मैं थोड़ा खो गया था इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्थ एवेन्यू रोड सर्च करना अगर आप गूगल मैप्स आओगे। एंड अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो आपको ये शटल सर्विस मिल जाएगी मेट्रो स्टेशन सी है, जो मेट्रो स्टेशन है वहीं से। सो गाइस आपको एक बेसिक चीज बता दूं, दो तरीके की टिकट्स हैं, मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में। एक तो आप वहीं से व्हाइट वाले रूम से कर सकते हो, अगर आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना तो डायरेक्टली। मैंने आपको इतने स्टार्टिंग में कही डेट पे लिखी थी, दोबारा स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं यहाँ पे ये रहा। एंड उसमें आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप उसको स्कैनर कर सकते हो डायरेक्ट एंड वहीं से बुक कर सकते हो फोन से, ठीक है। मैं बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे एक और एक अंदर ही ना फेस्टिवल टाइप लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। ये देखो ये लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, 8:10 से 8:00 तक, 8 से 11 फरवरी 2024। इसकी भी एंट्री बिल्कुल फ्री है, ये भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके अंदर आपको मैप दिखा दूँ यहाँ का, अगर आप आ रहे हो देखो ये पूरा मैप है यहाँ का। जो मैंने आपको मैप दिखाया ना, इसमें सारा जो भी मेंशन है सब कुछ, लाइक सब कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सारे गार्डन है उसमें, नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैंने आपको बताया उसकी डेट सिर्फ 11 तक है, बाकी पूरे का तो 31 मार्च तक है, बट सिर्फ 11 फेब तक है। यहाँ पर ना गार्डन ही गार्डन मिलेंगे, हर तरीके का फ्लावर देखने के मिलेगा, हर तरीके के पौधे मिलेंगे आपको। तो गाइस ये है दरअसल बाल वाटी का, जहाँ पे नेचुरल क्लासरूम, रॉबिन बुक, ये सब चीज़ें, लाइक कुछ नहीं, सारा कुछ है। ट्री हाउस है, 225 साल पुराना शीशम ट्री है। ओ भाई ये 225 साल पुराना शीशम ट्री है, उस पर ट्री हाउस, ये देख लो, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया था ना, ये वाला जो अभी दिखाया इससे पहले, मैं आपको आज छोटा सा या बड़े में दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ फ्लोर सिग्नेचर, वर्टिकल गार्डन, नेचर क्लासरूम, जो भी हमने देखा है इसमें शीशम ट्री 200 साल पुराना, तो इन सब के आगे ना उनकी स्पेशल चीजें भी लिखी। देखो देखो थीम गार्डन है, तो थीम ऑफ द सीजन है तुलिप, जो पौधा होता है वो वाला थीम है, ठीक है। फूड कोर्ट है, एरिया ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, इनके सबके सारे की डिटेल्स लिखी हुई है, तो एक बार पढ़ लो, ये देखो आराम से पढ़ लो वीडियो पॉज करके, और ये सब हम भी एक्सप्लोर भी करेंगे डिटेल में। सो गाइस अब जो नेक्स्ट आए हैं वो आए हैं जो आपको दिखाया था ना थीम गार्डन, जो है टुलिप गार्डन। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे टाइप ऑफ टुलिप मिलेंगे, पता नहीं है सही बोल रहा हूँ, एंड बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वाइक वही टूर देता हूँ, बहुत प्रिटी लग रहा है, लाइक बहुत प्रिटी। यार ये देखो यार कितना प्रिटी लग रहा है यार, ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। ये आ गया दूसरे टाइप का, ये देखिए ये पिंक है, ये बहुत प्रिटी लग रहा है मतलब मुझे, बट ऑरेंज की तो यार देखो अलग ही फील आई है यार, ये बहुत सुंदर। सो गाइस ये पूरा ट्यूलिप गार्डन था, ट्यूलिप 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 समझ जाओ, ठीक है। और हर तरीके का मैंने आपको दिखा दिया, जितने भी यहाँ पे थे ना सारा मैंने आपको टूर लगवा दिया। अब हम चलेंगे आगे, तो ये देखो यार कितना मतलब पूरा गार्डन देखने लगा, अब हम चलेंगे उस फाउंटेन की तरफ, लेट्स एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ द गार्डन। सो गाइस द नेक्स्ट विल बी बोंसोई गार्डन, ये रहा, एंड एज द नेम सजेस्ट बोंसोई गार्डन, यहाँ हर तरीके का बोंसोई ट्री होगा। इसके साथ साथ ना यार देखो आप, ये भी आपको सारी कलाएं मिलेंगी, ये वो स्टोन है सारे, और आप इसकी ना ये पूरी, रुको लेट मी शो यू, ऐसे, और इसकी ना ये पूरी ऐसे डिजाइन बने हुए हैं,
चलो बॉन्जोई गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। इनके ऊपर डिटेल्स भी लिखी होती हैं, जैसे ये देखो बॉन्जोई के साथ साथ बहुत सारे और भी प्लांट्स रखे हैं। बॉन्जोई गार्डन पता नहीं इसका नाम क्यों है, मे बी बॉन्जोई भी होंगे या फिर हम बहुत बड़े बड़े बॉन्जोई कुछ होगा लॉजिक, और इसके अलावा बहुत सारे ट्रीज रखे हैं, मतलब प्लांट्स नॉट ट्रीज। तो गाइस आप इसका पूरा टूर ले सकते हो, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सबके नेम्स वगैरह लिखे हैं। जो लाइक प्लांट लवर्स है ना, प्लांट लवर्स के लिए जैम है, अगर रन आता ना तो रन भी बहुत पड़ता है। इसके बाद गाइस आप म्यूजिक फाउंटेन के मजे ले सकते हो, देखो म्यूजिक चल रहा है एंड दैट्स हाउ द फाउंटेन वर्क्स। यहाँ पे फाउंटेन है, इसको एक्चुअली म्यूजिकल गार्डन बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन म्यूजिकल गार्डन। So guys, can you spot the rainbow? अगर कमेंट में बताओ अगर आपने भी रेनबो देखा है तो। तो गाइस नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन का जो बेस्ट व्यू मिलता है ना आपको यहाँ से मिलता है, अमृत उद्यान मेन गार्डन है ये, लेट मी शो यू द व्यू। यहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिलेगा राष्ट्रपति भवन का, अगर आप आ रहे हो ना इसे फोटो क्लिक करवाने, आपने देखी होंगे लोगों की फोटो, वो एक्चुअली यहाँ की होती है। ये व्यू मिलता है आपको यहाँ से एंड ये ना बहुत अमेजिंग व्यू है। देखो अकेले आने के ना नुकसान सिर्फ फोटोज का होता है, तो मैंने एक भाई को बोल के फोटोज तो क्लिक करवा ली। ओके ओके, मतलब जब थंबनेल में देखोगे वन ऑफ दोस फोटोज एंड बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से ना, बहुत सुंदर है, लाइक मेस्मराइजिंग, लाइक सुंदर। एंड ये ना एक साल में एक बार ही खुलता है एंड इसकी विशेषता ही यही है, टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर गार्डन, लाइक मेंटेन्ड गार्डन, एक एक चीज देखोगे आप मेंटेन। आगे यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन का और अच्छा व्यू मिलता है, एक तो हम पीछे थे वहाँ पे, अब हम मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे फाउंटेन, अगर फोटोज क्लिक करनी है यहाँ पे भी करवा सकते हो। यहाँ से और ज्यादा व्यू मिलेगा आपको राष्ट्रपति भवन का, इससे आगे पहुंच जाओगे वहाँ से भी क्लिक हो जाएंगी, तो यू कैन हैव सम गुड फोटोग्राफ्स हियर, लाइक समवेयर हियर। देखो आपको फूलों का कारपेट मिल रहा है यहाँ पे, यार कितना सुंदर लग रहा है फूलों का कारपेट। उसके बाद जब आप आगे आओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स एंड इनके ऊपर इनके नाम वगैरह भी लिखे हैं आगे अगर आप देखोगे ना, बट यहाँ पर सारी फ्लावर्स की वैरायटी लगी हुई है। गाइस नेक्स्ट वी हैव रोज गार्डन, यहाँ पे ना आपको हर तरीके का रोज मिलेगा ऑब्वियसली एज द नेम सेज। एंड देखो जैसे पहले घुसती रेड रोसेस है ऐसे मेंटेन है ये, सो लेट मी गिव यू अ छोटा सा टूर ऑफ रोज गार्डन की। अगर आप रोज गार्डन आओगे तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली रोज मिलेंगे बट कौन से टाइप के मिलेंगे। तो गाइस ये रोज गार्डन के बाद ना आपको प्रॉपर ये फाउंटेन मिलता है, फाउंटेन से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, देखो यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ यहाँ पे देखो आपको पीकॉक वगैरह भी दिख जाएंगे। आई डोंट नो वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे पीकॉक है, ठीक है, तो इस सेशन में आपको पीकॉक वगैरह मिल जाएगा। फिर हम लेते हैं यहाँ से एग्जिट, हम जैसे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जो आपको दूसरा बताया था ना नॉर्थ ईस्ट का जो फेस्टिवल लगा हुआ है वो है विविध का अमृत महोत्सव, ठीक है। इसकी जो डेट्स है ना, वो डेट्स हैं एक्चुअली 8-11 फेब, ठीक है, तो आज है 9th, कल और परसों और है। सो गाइस जो ये इवेंट लगा हुआ है ये है विविधता का अमृत महोत्सव, मैंने इसका अलग ही ब्लॉग बनाया है। यहाँ पे आपको ना नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स के अलग अलग स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे, फूड ऑप्शंस मिलेंगे एंड यार बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। मैंने इसको पूरा अलग ब्लॉग बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऊपर एक आई बटन में भी आपको लिंक डाल दूंगा, वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। हमने
मैंने पूरा एक टूर ले लिया, क्या क्या था वो मैंने आपको दिखा दिया है। मस्ट विजिट है, मैं तो कहूंगा सिक्किम वाले पे अगर आ सकते हो तो जरूर आना। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। मुझे लेट पता चला, लेट क्या यार, 8, 9, 10, 11 चार दिन के लिए लगा है बस वो, ठीक है। एंड 9th को मैं आ गया हूँ, कल ही लगा और आज आ गया हूँ आपके लिए। अब आपके 2 दिन हो रहे हैं, यू कैन कम, ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग। एंड उसके अलावा एवरीथिंग वॉज नाइस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो जस्ट लाइक कर दो वीडियो, सो दैट कैन रीच मोर पीपल। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को बहुत सारी वीडियोस के लिए, एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मिलता हूँ, बाय।